मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी व्याकरण 10th क्लास में वाच्य को पढ़ेंगे। ये वाच्य की एक से अधिक वीडियो बनाएंगे, इसलिए हमने इस वीडियो को नाम दिया है पार्ट वन। वाच्य क्या है? बोलने का विषय, जैसे अंग्रेजी में होते हैं एक्टिव और पैसिव, ऐसे ही हिंदी में होता है वाच्य। अब बोलने के हमारे तीन तरीके होते हैं। एक तो इसमें कर्ता की प्रधानता होती है, दूसरा तरीका जिसमें कर्म की प्रधानता होती है, और तीसरा तरीका जिसमें भाव की प्रधानता होती है। तो अब परिभाषा क्या हो इसकी? क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया का प्रयोग वाक्य के कर्ता के अनुसार हुआ है, या वाक्य के कर्म के अनुसार हुआ है, या वाक्य के भाव के अनुसार हुआ है, उसे कहते हैं वाच्य। इसके तीन प्रकार होते हैं वाच्य के, किसी पुस्तक में दो हैं, लेकिन हमने यहां तीन प्रकार बताए, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। अब कृतवाच्य क्या है? जिस वाक्य की क्रिया का प्रयोग उसके कर्ता के अनुसार होता है, कर्ता भी सब्जेक्ट, जहां सब्जेक्ट की प्रधानता होती है, उसे कहते हैं कृतवाच्य। जैसे मैं आम खाता हूं, इस वाक्य में खाता हूं क्रिया हुई और मैं हुआ कर्ता। परिभाषा में क्या है? कर्ता के क्रिया का प्रयोग उसके कर्ता के अनुसार होता है। क्रिया ये है खाता हूं, कर्ता है मैं, तो अब मैं के अनुसार होना है क्रिया का प्रयोग। मैं एक वचन है हिंदी में, अंग्रेजी में बहुवचन है, हिंदी में मैं एक वचन है, तो क्रिया भी हमारी एक वचन है। मैं पुल्लिंग है तो क्रिया भी हमारी पुल्लिंग है। खाती हूं नहीं है क्रिया, क्या है? खाता हूं, क्यों? मैं के अनुसार हो रहा है, तो इसलिए यह हुआ यहां कृतवाच्य। पूरे वाक्य में मैं कर्ता की प्रधानता है और मैं के अनुसार ही क्रिया का लिंग रूप काल वचन परिवर्तित हो रहा है, मीन्स बदल रहा है, इसलिए यह हमारा है कृतवाच्य। बस सिंपल सी परिभाषा है, क्रिया का प्रयोग कर्ता के अनुसार होता है। दूसरा है हमारा कर्मवाच्य, वाच्य का प्रकार। जिस वाक्य में क्रिया का प्रयोग उसके कर्ता के अनुसार न होकर वाक्य के कर्म के अनुसार होता है, जिस वाक्य में क्रिया का प्रयोग कर्ता के अनुसार न होकर कर्म के अनुसार होता है, वहां होता है भाववाच्य, सॉरी कर्मवाच्य। जैसे उदाहरण है, मेरे द्वारा आम खाया जाता है, मेरे द्वारा आम खाया जाता है। कर्ता तो है यहां मेरे और कर्म है आम, तो प्रधानता कर्ता की न होकर, प्रधानता कर्ता मेरे की न होकर प्रधानता है कर्म की, कर्ता के न होकर कर्म की प्रधानता है। अब कर्म के अनुसार ही क्रिया आएगी, आम एक वचन है तो खाया जाता एक वचन है, आम पुल्लिंग है तो क्रिया भी हमारी पुल्लिंग है, इसलिए यहां ये कर्मवाच्य होगा, मेरे द्वारा आम खाया जाता है। अच्छा, कृतवाच्य से कर्मवाच्य बनाएंगे तो कृतवाच्य में जो कर्ता का कारक चिन्ह है ने, उस कारक चिन्ह को तो देंगे वहां से हटा और ने की जगह पर आ जाएगा द्वारा, ने को हटा देंगे और ने की जगह आ जाएगा द्वारा, जैसे मेरे द्वारा आम खाया जाता है। तो यहां इस कर्म आम की प्रधानता है, ना कि कर्ता मेरे की तरह, ये हुआ कर्मवाच्य। तीसरा है हमारा भाववाच्य। जिस वाक्य में
न तो कर्ता की प्रधानता हो न कर्म की प्रधानता हो, अपितु कर्ता और कर्म के स्थान पर भाव की प्रधानता हो, वहां होता है भाववाच्य। और जब कृतवाच्य से या कर्मवाच्य से भाववाच्य बनाएंगे तो उस वाक्य में कर्ता के बाद लगाएंगे से। जैसे उदाहरण है उसमें दीपक से बैठा जाता है, दीपक से बैठा नहीं जाता, या दीपक से बैठा जाता है, तो हमने यहां लिखा है दीपक से बैठा नहीं जाता। तो यहां ना तो दीपक की प्रधानता है और कर्म इसमें है ही नहीं, बैठना अपने आप में क्रिया है। तो यहां कर्ता दीपक की प्रधानता ना होकर भाव की प्रधानता है, एक बेवसी सी निकल के आ रही है, लाचारी से निकल के आ रही है कि नहीं बैठा जाता। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि कर्मवाच्य में आया था कर्म की प्रधानता होती है। अब कर्म किस वाक्य में होगा? जो वाक्य सकर्मक होगा, क्रिया, जिस वाक्य की क्रिया सकर्मक होगी। अब हम ये कैसे पता लगाएंगे कि वाक्य में क्रिया सकर्मक है या अकर्मक है? तो प्रश्न करने पर, जैसे एक वाक्य लिखता हूं मैं, राम आम खाता है। इस वाक्य में राम करता हुआ, खाता है क्रिया हुई। अब कर्ता प्रश्न करेगा, कर्ता के द्वारा हम प्रश्न करेंगे राम क्या खाता है, राम क्या खाता है। यदि प्रश्न आता है हमारा अप्राणी, प्रश्न का उत्तर आता है अप्राणी वाचक संज्ञा, अप्राणी वाचक संज्ञा यानी प्राणी न हो, तो वहां जो उत्तर आएगा अप्राणी वाचक संज्ञा, तो उस वाक्य में क्रिया होगी सकर्मक। खाने का, या ये कहें कि खाने का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? आम पर। तो हमारा मुख्य विषय था कृतवाच्य में क्रिया सकर्मक भी हो सकती है और अकर्मक भी हो सकती है, कृतवाच्य में दोनों क्रियाओं में से कोई भी हो सकती है। कर्मवाच्य में निश्चित रूप से क्रिया सकर्मक ही होगी, ये ध्यान देने की बात है। कृतवाच्य में क्रिया सकर्मक या अकर्मक कोई भी हो सकती है, कर्मवाच्य में क्रिया निश्चित तौर पर सकर्मक ही होगी। यदि किसी वाक्य में क्रिया अकर्मक है तो उस वाक्य का कर्मवाच्य नहीं बनेगा, क्यों? कर्म ही नहीं उसमें। और अब आती है बात भाववाच्य की, तो भाववाच्य में क्रिया होगी निश्चित तौर पर अकर्मक। ध्यान देने वाली चीज है कर्मवाच्य में सकर्मक अकर्मक दोनों में से कोई हो सकती है, कर्मवाच्य में सकर्मक की क्रिया होगी और भाववाच्य में निश्चित रूप से अकर्मक क्रिया ही होगी। तो इस वीडियो में इतना ही, आप इसका अगला पार्ट इनके नियम आगे की वीडियो में बताएंगे।